9 जनवरी 2023 को हॉबार्ट और मेलबर्न स्टार्स के बीच में मैच है। दोनों ही टीमों के प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहेगा, चारों कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। चारों कार्ड्स हॉबार्ट के लिए और मेलबर्न स्टार के लिए क्या एनर्जी शो करते हैं, चलिए देखते हैं कार्ड्स की क्या एनर्जी आती है, कार्ड्स क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं हमारा, क्या बताएंगे वो प्लेयर्स के बारे में टैरो कार्ड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टीम ले लेते हैं होबार्ट। होबार्ट हैरिकेन्स के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। विकेट कीपर एम वैट, 9 तारीख के मैच में, 9 जनवरी के मैच में एम वैट का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके गुड, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को इनका मिलेगा। बहुत बढ़िया कार्ड आया है, जो पहला ही कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है एम वैट के लिए। आगे हम बात करते हैं बैट्समैन की, तो जो है बी मैकडॉरमैट के लिए कार्ड क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। गुड, ही विल प्ले गुड। जेड क्रॉली के लिए कार्ड्स, वाओ वेरी गुड। जो क्रॉली करके बैट्समैन है, अगर ये खेलते हैं तो कार्ड्स ने बहुत अच्छी एनर्जी उनके लिए शो की है। जेड क्रॉली के लिए ही विल प्ले वेरी गुड। टी डेविड वाओ अगेन, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही बढ़िया। टिम डेविड के लिए ही विल प्ले वेरी गुड। ए अली के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, इन पे थोड़ा बर्डन शो हुआ है, एवरेज जैसी एनर्जी रहेगी इनकी। सी ज्वेल करके जो है, ओके नेगेटिव। आगे हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो एस खान का प्रदर्शन कैसा है, गुड। एम अशरफ गुड, ही विल प्ले गुड। डी शॉर्ट ओके गुड। जी निशाम अगेन गुड, निशाम का भी हमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, गुड। बात करें बॉलर्स के लिए कार्ड क्या कहते हैं, कैसा उनका प्रदर्शन रहेगा। आर मेरेडिथ जो प्लेयर हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं उनके लिए, वेरी गुड। हो सकता है काफ़ी अच्छे विकेट्स लें, बहुत ही बढ़िया, ही विल प्ले वेरी गुड। एंड एलिस गुड, अच्छा रहेगा इनका भी। जे पेरिस एवरेज। डब्लू पार्कर का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा डब्लू पार्कर का हमें, ही विल प्ले वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने होबार्ट की टीम की, जो ड्रीम इलेवन टीम के प्लेयर्स हैं, उनके बारे में जाना। अब हम जानेंगे मेलबर्न स्टार्स के बारे में। मेलबर्न स्टार्स की जो विकेट कीपर है जेक लॉर्क, कैसा रहने वाला है 9 तारीख के मैच में जेक लॉर्क का प्रदर्शन। ओके, ही विल प्ले वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है जेक लॉर्क का। बात करें बैट्समैन की, एच कार्टराइट कैसा खेलेंगे, गुड, ही विल प्ले गुड। एंड लार्किन ओ गुड। टी फ्रेजर वेरी गुड। टी फ्रेजर रोजर्स जो हैं, उनके लिए कार्ड ने बहुत अच्छी एनर्जी शो की है, ही विल प्ले वेरी गुड। सी क्लेवे करके जो है प्लेयर, वेरी गुड। ऑलराउंडर्स में जी मैक्सवेल अगर खेलते हैं तो कार्ड्स क्या कहते हैं उनके लिए, नेगेटिव। हो सकता है शायद ना भी खेले, पर जो कार्ड की एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है इनके लिए।
एम स्टॉइनिस, स्टॉइनिस का प्रदर्शन कैसा, वेरी गुड, ही विल प्ले वेरी गुड. बी वेबस्टर, वेबस्टर के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, ओके ड्यूअल एनर्जी है उनकी, एवरेज जैसा रहेगा बी वेबस्टर का. बात करते हैं बॉलर्स की, तो टी बोल्ट, बोल्ट के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या एनर्जी शो कर रहे हैं, ओके गुड. ए जेम्पा, जेम्पा जेम्पा विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन कार्ड्स आया है जेम्पा के लिए, मतलब इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ही विल प्ले वेरी गुड. एंड कल्टर नाइल, कल्टर नाइल के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, एवरेज. एलवुड, एलवुड नेगेटिव. तो इस तरीके से हमने दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के लिए कार्ड्स ने जो एनर्जी शो की, कार्ड से हमने जो जाना, कार्ड्स ने जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस दिए हैं वो ही हमने आपसे शेयर किए हैं. कार्ड ने जो कहा वो हमने आपको शेयर किया. थैंक यू.